साथियों नमस्कार, आपका दोस्त डॉक्टर एस के जवान। और आज हम अगले मेडिसिन बैच फ्लॉर के नए मेडिसिन के सामने मिलते हैं जिसका नाम है जेंशन। जेंशन का अगर मैं स्वभाव की बात करूं तो जेंशन मेडिसिन के सिम्टम्स हैं ऐसा व्यक्ति जो कभी खुश रहता है, कभी उदास रहता है और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे उलझन रहते हैं, ऐसे लोगों को हम जेंशन मेडिसिन दे सकते हैं। साधारण अगर रूप में मैं बोलूं तो जेंशन मेडिसिन उनके लिए जो काम करता है, जो द्वि स्वभाव के रहते हैं, जो हमेशा उलझन पैदा करते हैं अपने मन में, करूं कि नहीं करूं, ये हमेशा उलझन चलते रहते हैं उनके मन में। और इस उलझन के चक्कर में वो हमेशा निगेटिव चीज़ों को पहले देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को बाद में देखते हैं। अगर हम उनको जेंशन दे दें तो वो पॉजिटिव एनर्जी के कारण से वो जो चाहते हैं वो चीज़ों को करने लग जाएंगे। अगर हम शारीरिक बीमारी में बात करें तो कोई भी बीमारी पर जब हम दवाई ले रहे हैं और दवाई असर करते रहती है, अचानक उसका असर रुक जाता है, उस समय हम उसके साथ में जेंशन मेडिसिन को मिला करके दे दें तो उसका असर फिर से बरकरार जाता है और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाता है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा पढ़ाई को लेकर के बहुत सारे उलझन हैं, उनको भी हम जेंशन दे करके पॉजिटिविटी ला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, काम को लेकर के काफ़ी उलझन रहता है, मैं इस काम को करूं कि नहीं करूं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो जेंशन मेडिसिन लेने से उसके अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाती है और वो जो डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स को हटाने में मददगार साबित होता है। इसकी अगर मैं डोज की बात करूं तो आप अगर लिक्विड फॉर्म पर ले रहे हैं तो 5-5 बूंद या 10-10 बूंद ले सकते हैं, टेबलेट फॉर्म पर लें तो 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। जो हमेशा उदास रहता है उनको भी ये मेडिसिन दे सकते हैं। कई बार कोई व्यक्ति मनोरोग के शिकार में आ जाता है जिसके कारण से उसकी किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रहती, ऐसे लोगों को भी हम जेंशन मेडिसिन दे सकते हैं। मतलब बीमारी का ठीक ना होना या देर से होना, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोचते हैं, उनको भी हम जेंशन मेडिसिन दे सकते हैं, है ना। और वो क्या है, जेंशन मेडिसिन के साथ एक ही माइनस पॉइंट है, ये पॉजिटिव चीज़ों को कम देखता है, निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखता है। तो चाहे आपके काम पे हो, चाहे शारीरिक तकलीफ हो, चाहे किसी भी चीज़ पे हो, चाहे घर के माहौल पे हो, है ना, ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो कभी बहुत दिन में बहुत हंसते हुए दिखेंगे तो शाम को उदास जैसे दिखेंगे। इस टाइप से भी इनका नेचर होता है। ख़ासतौर से अगर हम बात करें तो जेंशन के मरीजों की आप बात करें तो लगभग मिथुन राशि, कन्या राशि वालों को अधिकतर इस रूप में अपन देख सकते हैं, क्योंकि इनका ये सिम्टम्स में आता है ना। और अगर मैं बात करूँ तो और अलग अलग लोगों को ये इसकी शिकायत कभी भी और किसी भी उम्र में आ सकती है और किसी भी माहौल में आ सकती है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ अप एंड डाउन होती रहती है, तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद निराशा या हताशा के कारण से लोगों को उदासी या निराशा अगर आ जाती है, वहाँ पर हम जेंशन मेडिसिन को दे करके हम उसको लाभ पहुँचा सकते हैं। तो ये मेडिसिन का बहुत बढ़िया काम है। हम किसी भी प्रकार की बीमारी की अगर दवाई ले रहे हैं और अगर दवाई का असर रुक गया है, वहाँ पे हम जेंशन मेडिसिन दे करके हम उसको फ़ायदा दिला सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का किसी भी चीज़ को लेकर के निर्णय लेने में जहाँ तकलीफ आ रही है, वहाँ पे हम जेंशन मेडिसिन दे करके उनको ठीक कर सकते हैं। इसका सेवन विधि बहुत सरल है। अगर लिक्विड फॉर्म पर ले रहे हैं तो 5-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह शाम दिन में 2-3 टाइम ले लीजिए। अगर टैबलेट फॉर्म पर ले रहे हैं तो 2-2 गोली दिन में 2 टाइम ले लीजिए। अगर पिल्स में ले रहे हैं तो 5-5 गोली दिन में 2-3 टाइम ले सकते हैं। तो ये रहा जेंशन मेडिसिन का ट्रीटमेंट के बारे में। और ये मेडिसिन इतना कारगर है, अगर आपके घर में अगर कोई निगेटिविटी भी अगर चल रही है तो वहाँ पे अगर आप जो स्प्रे आता है उस पर अगर आप इसको पानी के साथ मिला के अगर घर पे भी अगर स्प्रे मार देंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ आने लग जाती है। मतलब इतना पावरफुल ये मेडिसिन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बना बेल आइकन दबा दीजिएगा। और एक चीज़ ये चाहूँगा मैं, आपको अगर किसी समस्या के बारे में पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए पूछ सकते हैं। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी अगली मेडिसिन के बारे में। बस ये है कि आप इस पद्धति को समझें, सीखें और इसका फ़ायदा लें जिससे आप अपनी समस्याओं को ठीक कर सकें। यही शुभकामना है।
अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, एक नई मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।